मंत्रा MFS 100 ये डिवाइस वर्क नहीं कर रहा है। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका जो वायर है वो खराब हो चुका है, केबल में अंदर कहीं वायर ब्रेक हो चुके हैं, जिस वजह से ये समस्या आ रही है। तो हम इसको ओपन करके इसका केबल चेंज करेंगे। हमेशा मंत्रा MFS 100 या मॉर्फो के डिवाइस में केबल की ही समस्या आती है। बेहतर डिवाइस यही है मंत्रा, जो कि हम घर पे रिपेयर कर सकते हैं। मंत्रा का डिवाइस घर पे रिपेयर हो जाता है दोस्तों, और मॉर्फो का डिवाइस कनेक्टर उसका खरीद कर ही लाना पड़ता है, क्योंकि उसमें इतना जगह नहीं दिया रहता कि हम कोई वायर उसमें जोड़ सकें। या तो कनेक्टर ख़राब है, तो कनेक्टर ख़राब होने की स्थिति में हम कोई दूसरा वायर, जो घर पे चार्जर का केबल पड़ा हुआ होता है USB का, वो हम नहीं जोड़ सकते। लेकिन मंत्रा के डिवाइस में हम ये कर सकते हैं। घर पे अगर पुराना चार्जर है, उसका पिन खराब हो चुका है, तो पिन तरफ से हम उसको काट के इस मंत्रा डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ उसी तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं। ये कनेक्टर हम इसका निकाल देते हैं दोस्तों, और इसको हम रख देते हैं साइड में। ये हमारा सही है, केबल सिर्फ केबल खराब है, हम इनको साइड में कर देते हैं और इसको निकाल के इसका केबल जो है हम कट करके वापस कर देंगे। ये कनेक्टर है दोस्तों, इसमें चार वायर होती है, एक वायर जो होता है वो अर्थ का होता है। वायर इसमें चार होते हैं, रेड ब्लैक ग्रीन एंड वाइट। रेड एंड ब्लैक ये वोल्टेज का होता है, और जो अपना ग्रीन और वाइट होता है ये डाटा ट्रांसफ़र का होता है। तो हम एक दूसरे USB को काट देंगे, और जिसका ये चार्जिंग पॉइंट तरफ का पॉइंट आता है उसको हम निकाल देंगे। कनेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा दोस्तों, रेड ग्रीन वाइट ब्लैक जो USB डाटा के लिए काम आता है, और 5 वोल्ट जो USB का रेड एंड ब्लैक होता है ग्राउंड। ये हमने केबल साइड में कर दिया, और दूसरे केबल को छील करके और हम रेड टू रेड, ब्लैक टू ब्लैक, ग्रीन टू ग्रीन एंड वाइट टू वाइट कनेक्ट कर देंगे। डायग्राम भी आगे दिखाई देगा दोस्तों, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह की वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम कोई नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। मैं इस चैनल पर इसी तरीके का वीडियो बनाते रहता हूँ दोस्तों। तो जो USB का कनेक्शन होता है दोस्तों, कुछ इस तरीके से होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम पहले सोल्डर कर लेंगे कनेक्टर को। अगर कनेक्टर भी खराब हो जाता है दोस्तों, तो कनेक्टर को बिना निकाले हम कनेक्टर के नीचे तरफ सेम कलर कोडिंग के हिसाब से हम सोल्डरिंग कर सकते हैं, और ये प्रॉपर वर्क करता है। मैं एक अगला वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, एक और मंत्रा का डिवाइस है जिसका कनेक्टर भी पूरी तरह से खराब हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा है। तो उस वजह से हम एक केबल को मंत्रा डिवाइस के पीछे जहां पे कनेक्टर लगता है, वहां पे डायरेक्ट हम वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से करने हैं दोस्तों, देख लीजिएगा, रेड टू रेड, ब्लैक टू ब्लैक, ग्रीन टू ग्रीन एंड वाइट टू वाइट, इस तरीके का कनेक्शन होता है। और जो कनेक्टर है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और केबल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छे से कनेक्ट करना है दोस्तों, ताकि ये दोबारा निकले नहीं। और कनेक्ट करने के बाद, इसको कनेक्ट होने जाने के बाद अच्छे से चेक कर लें, और इस पर टेप से ऊपर से इंसुलेट कर दें, ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। और कनेक्शन करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें कि सभी का कनेक्शन एक ही पॉइंट पर नहीं होना चाहिए, 5-5 mm का गैप जरूर रखें सभी में। गैप कहने का मतलब है दोस्तों कि एक जॉइंट हम 5 mm में लगाएंगे, दूसरी 5 mm दूरी पर, फिर तीसरी, फिर 5 mm दूरी पर। इस तरीके से होगा ये दोस्तों कि तार जो है आपस में कनेक्ट होने के बावजूद भी शॉर्ट नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। लगभग ये कनेक्शन कम्प्लीट होने वाला है, और कम्प्लीट होने के बाद हम चेक करने वाले हैं। अगर आप मुझसे ये सजेशन लेना चाहते हैं दोस्तों कि मॉर्फो, मंत्रा या कौन सा डिवाइस सबसे बेहतर होता है, तो मैं मंत्रा डिवाइस का ही सजेशन दूंगा, क्योंकि ये खराब होने पर रिपेयर घर पर आसानी से हो जाता है, और आप इस पर कोई भी USB केबल यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आप एक गलती ये ना करें कि अगर आपके मोबाइल में माइक्रो का कनेक्टर लग रहा है, तो आप इसको जो है USB की तरफ से कट कर दें। मेल USB की तरफ से अगर कट कर दें और माइक्रो का यूज़ करेंगे, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जो माइक्रो की तरफ होता है, जो वाइट वाइट आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जिसको हमने काट के अलग कर दिया है,
है, इसमें पीसीबी लगा होता है। पीसीबी लगे होने के कारण ये काम नहीं करता है। ये वर्क करने लगा है दोस्तों, देखिए किस तरीके से ब्लिंक हो रही है इसकी स्क्रीन। अब हम इसको वापस से इसके पहले जैसा कर देंगे, इसमें हम लगा देंगे अभी टेप। टेप लगाने के बाद इसको कर देंगे पैक। पैक करने के बाद फिर एक बार टेस्ट करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम वीडियो बनाने का प्रयास पूरी तरह से करेंगे। दोस्तों अगर आप मंत्रा का नया डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो हमने बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप वहां से जाकर डिवाइस खरीद सकते हैं। और इस तरीके से एक फोल्डिंग जरूर लगा दिए ताकि ये जो केबल है बाहर खींचे नहीं। ज़्यादातर डिवाइसों में केबल ही खराब होती है, आपके चार्जर में ज़्यादातर केबल ही खराब होता है, तो केबल को रिपेयर करना काफ़ी आसान होता है फ्रेंड्स। हम केबल इसको मात्र घर पे जो पुराना केबल पड़ा होता है उससे रिप्लेस कर सकते हैं, वो काम का होता है। पिन ही खराब होती है ज़्यादातर चार्जरों की, तो वो केबल काम में आ जाती है। किसी भी प्रकार का मन में सवाल जवाब हो तो कृपया कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। चलिए अब इसको हम कर लेते हैं असेंबल। स्क्रू से अच्छी तरह से टाइट करके इसका जो भी चीज़ें हमने वापस निकाली थी इसको वापस लगा देना है, और एक बार चेक करना है ये बराबर से काम करने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके वेल डन, डिवाइस इज रेडी टू यूज। ग्रेट, इट्स वर्किंग अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।